नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास एट्थ में हम आज सेवन और पेज नंबर एट करेंगे। देखिए पेज नंबर हमारे सेवन में हमारे पास फ्लावर है। ऐसे इस फ्लावर की शेप है, इस तरह से इसकी लीव्स हैं। ये देखिए कुछ इस शेप में है और एक फ्लावर में फाइव लीव्स हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये फ्लावर है और इसमें एक जो ऐसे टर्न किया हुआ फ्लावर है वो इस तरह से बनेगा। उसका सेंटर हल्का सा हम इस तरह से ले लेंगे ये, और जो साइड की लीव्स हैं मुड़ी हुई वो इस तरह से आ जाएंगी और पीछे की लीव्स जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। तो ये इस तरह से आ गया। इसमें अंदर में आपने रेड कलर करना है, बाहर से आपने पिंक कलर करना है और सेंटर में येलो कलर है। लीव्स भी इसके सिंपल हैं बहुत। ये पेज इस तरह से बनाइए, इसमें आपके ऑयल पेस्टल्स होंगे। और पेज नंबर जो एट है उसमें हमारे पास फ्लावर है, उसकी शेप देखिए कैसे होगी। इस तरह से हम सर्कल लेंगे और फिर इस फ्लावर की लीव्स जो हैं वो इस तरह से हैं। ये देखिए ये भी हमें कुछ साइड से ही दिख रहा है, तो इस तरह से ही लीव्स आएंगी। और फिर जो सेंटर है आप उसमें भी ऐसे लीव्स ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर बनेगा। फिर इसकी ये हल्की सी स्टेम आ गई और जो इसकी लीव्स हैं उनका अपना अलग स्टाइल है। इस तरह से देखिए टर्न की हुई लीव है, इस तरह से बनाना है। और फिर आपने यहाँ से इसको ऐसे शेप दे देनी है और यहाँ से ये ऐसे मुड़ी हुई लीव्स जो हैं ये बन जाएंगी। इस पर हम वाटर कलर करते हैं। हम ब्लू की शेड लेंगे, ब्लू लाइट मीडियम डार्क। सबसे पहले हम लाइट ब्लू लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी, आप इसको आराम से करेंगे। और लाइट ब्लू जो है वो पूरे के पूरे फ्लावर पर आपने इस तरह से लगा देना है। स्काई ब्लू में मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब मैं ब्लू की थोड़ी सी डार्क शेड लूँगी और इस तरह से इसको एक ही साइड ऐसे सेंटर में तो आएगा बट लीव्स के हम एक ही साइड ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। मिक्स होता हुआ वाटर के साथ देखिए इस तरह से ये हमारी सेकंड टोन आ गई है ब्लू की। हम ब्लू शेड मतलब ब्लू तो क्या, जब हम किसी भी एक शेड में कलर्स करते हैं तो वो मोनोक्रोम कलर्स कहलाते हैं। जब हम एक ही शेड की लाइट मीडियम डार्क टोन जो हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे इसमें हम सिर्फ ब्लू कलर को ही यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से वैसे ही लीव्स में भी आ जाएगा। यहाँ से हम डार्क बता देंगे और यहाँ हल्का सा सिर्फ ऐसे शेडिंग के लिए यहाँ पे डार्क आएगा। वैसे ही हल्का सा यहाँ ऐसे शेडिंग के लिए, कहीं कहीं पे हार्ड हो जाए कलर तो हम इसको वाटर के साथ भी मिक्स ऐसे कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा ब्लू की डार्क शेड लेंगे इस तरह से। और इसकी हल्की हल्की लीव्स की इस तरह से डिटेल निकाल लेंगे। तो देखिए एक ही ब्लू शेड में हमने ये थर्ड टोन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से वैसे ही लीव्स में भी आ जाएगी। यहाँ से डार्क आ जाएगा, यहाँ से हल्का सा आप इसको ऐसे शेप दे सकते हैं। इस तरफ से भी नीचे से है लीव, ये डार्क आएगा, इसकी ऐसे स्टेम भी आ जाएगी। इस तरह से शेप ऐसे दे सकते हैं। अब ज़्यादा डार्क शेड ली है मैंने,
इस तरह से अब हम इससे सिर्फ थोड़ी थोड़ी डिटेल ही करेंगे, जैसे यहाँ इसके सेंटर में इस तरह से कर दिया है डिटेल, और इस तरह से लीव्स की डिटेल आ गई एक साइड से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम ये कलर करेंगे इस फ्लावर में। आप इसके साथ 2-3 और फ्लावर्स बना के ये जो प्लांट दिया है बुक में इसको पूरा करेंगे। करिए बेटा, थैंक यू।